हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। आज हम लोग के पास 2024 की लेटेस्ट बजाज पल्सर 125 और एक तरफ आपके सामने खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS125। दोनों बाइकें बजाज की काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली बाइकें हैं और दोनों बाइकों में काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर होते हैं और NS तो अभी फिलहाल में ही नई हेडलाइट और नए मीटर के साथ में आई हुई है। तो दोनों में से काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों 125 सेगमेंट की बाइक है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको किसको परचेज करना चाहिए, कौन सी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, किसको लेना आपके लिए सही होगा। तो अगर आप दोनों में से किसी बाइक को लेने के बारे में सोच रहे थे या फिर आप किसी भी 125 सेगमेंट की बाइक लेने के बारे में सोच रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। पर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले अगर बाइक की फ्रंट की लुक चेक करी जाए तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो दोनों बाइकों की लुक आप यहाँ से फ्रंट से पूरा चेक कर सकते हैं और दोनों ही बाइकें देखने में फ्रंट से काफ़ी सही लगती हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए बजाज पल्सर 125 के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इसका हेड का डिज़ाइन देखते हो तो ये आपको ओल्ड स्कूल टाइप का वही अपना चला आ रहा है पल्सर में, वैसे ही सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है बड़ा सा, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जो कि अपना सिल्वर वाले होने वाले हैं। मल्टीपल कलर्स आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके सामने खड़ा हुआ इसका ब्लैक विथ सिल्वर वाला कलर, जो कि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देखते हैं तो हेलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पायलट लैम्प मिल जाएंगे, बजाज का यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है जो कि रबर की कवरिंग के साथ में होने वाला है। बाकी टर्न इंडिकेटर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फ्लेक्सिबल हैं हल्के फुल्के, बाकी हेलोजन बेस्ड ही आपको देखने को ओवरऑल मिलेंगे। NS की तरफ अगर चला जाए तो यहाँ पर ये अपडेटेड मॉडल आप चेक कर रहे हो जो कि पूरा LED हेडलाइट के साथ में आता है। जैसा कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर नई हेडलाइट दे दी है कंपनी ने जो कि LED पूरी होने वाली है। जैसे ही आप इसकी इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ मतलब इसमें ऑन नहीं है अभी, बाकी LED पूरा मिलता है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये LED होने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो इसके टर्न इंडिकेटर देखने में इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि ये आपको हल्के फुल्के फ्लेक्सिबल मिलते हैं हेलोजन बेस्ड के साथ में, जो कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स दोनों की लुक को। हेड का डिज़ाइन इसका जो NS का हेड का डिज़ाइन है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा आपको स्पॉटी और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। दोनों ही बाइकों में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बाकी मडगार्ड आप पहले अगर NS का देखो तो आपको फायर बॉडी का मिलता है जो कि एक प्लास्टिक टाइप का लगता है देखने में, है तो ये फाइबर लेकिन लगता है एक तरीके के प्लास्टिक है। बाकी यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर के स्टिकर मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर नंबर लगाने का ऑप्शन आपको मेटल बॉडी का देखने को ओवरऑल मिलेगा। चलते हैं पल्सर की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फाइबर बॉडी का मडगार्ड, जो कि इसके अगर NS से कंपेयर में किया जाए तो थोड़ा सा देखने में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन स्पोर्टी NS का ही लगता है मडगार्ड देखने में। बाकी यहाँ पर कार्बन फाइबर के स्टिकर यहाँ पर भी मिलेंगे और उसी के साथ में यहाँ पर आपको सिल्वर के भी स्टिकर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बजाज पल्सर 125 को आप ड्रम वेरिएंट में भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क देखने को यहाँ पर मिल जाएगी फ्रंट में, जो कि आप अगर चेक करते हैं यहाँ पर आपको इसमें 240 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है विथ 18 inches के अलॉय व्हील के साथ में, जो कि आप अलॉय व्हील का पैटर्न यहाँ से चेक कर सकते हैं और ब्रेकिंग मतलब ठीक इसमें आपको मिल जाएगी। और वहीं अगर बात कर जाए अगर NS की, तो यहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क मिलती है विद 240 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, रिफ्लेक्टर के साथ में स्टिकरिंग मिलती है और 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है 18 inches के अलॉय व्हील के साथ में। अलॉय व्हील का जो आपका टायर साइज है डिस्क साइज है सेम आपको मिलता है दोनों बाइकों में, लेकिन अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको पहले पल्सर का दिखाऊं तो आप यहाँ से चेक करो कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील का पैटर्न मिलता है, और अगर मैं आपको NS का दिखाऊं तो आप ये देखो NS का कुछ इस तरीके का मिलेगा। दोनों को आप साइड बाई साइड कंपेयर कर सकते हो, तो NS का जो डिज़ाइन है वह भी काफ़ी अच्छा लगता है, पल्सर का भी डिज़ाइन आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है। टैंक की बात करीजिए अगर, तो NS की तरफ चलें तो इसका टैंक अगर आप देखो नो वेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती है 125 सेगमेंट में भी। यहाँ पर आपको पल्सर का 3D में लोगो मिलता है, यहाँ पर आपको E20 कंपेटेबल ये बाइक होने वाली है, और ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है 12 liter का फ्यूल टैंक। ये सब आपको फायर बॉडी मिलता है, यहाँ पर आपको 125 की स्टिकरिंग मिल जाती है वाइट कलर के साथ में, टैंक का आउट मिलेगा। बाकी ये बाइक आप देख सकते हो यहाँ से इसकी कुछ ऐसी फील यहाँ पर टैंक की निकल के आती है। पल्सर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का टैंक आउल, जैसा कि अगर आप चेक करो यहाँ पर पहले तो कि ये आपको फायर बॉडी मिलता है, ये काउल दे रखा है एक तरीके से। बाकी पल्सर का 3D में लोगो मिलता है ब्लैक के साथ में, और यहाँ पर आपको सिल्वर के स्टिकर देखने को इसमें मिल जाएंगे, और यहाँ पर क्या है कि आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगा, टैंक पैड मिल जाएगा, और ये बाइक E20 कंपेटेबल होने वाली है। इसमें आपको लगभग
11.5 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 11.5 लीटर की लगभग, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी एनएस के मुकाबले में इसमें आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप इस तरफ देखते हो तो 5 गियर बॉक्स सिस्टम इसमें भी मिलता है, 5 गियर बॉक्स सिस्टम आपको एनएस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग मिलेगी एनएस में, स्प्लिट मिल जाते हैं क्रैश गार्ड, और यहाँ पर आपको ये वाला लीवर मिल जाता है स्पोर्ट वाला। बाकी अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलते हैं, साइड डिस्चार्ज इंजन कट ऑफ में देखने को मिल जाएगा, ओपन में चेनसेट कवर देखने को मिल जाता है बाइक को और ज़्यादा सी स्पोर्टी लुक देने के लिए। पल्सर में कंपेयर करा जाए तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा गियर वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसा कि साइड डिस्चार्ज इंजन कट ऑफ मिल जाता है। फुट पैक्स की क्वालिटी अगर आप चेक करो तो यहाँ पर कुछ हिस्से के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्लोज में चेनसेट कवर देखने को मिलेगा पल्सर 125 में, जो कि आप देख सकते हो मेटल बॉडी का होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको साड़ी कार्ड कुछ इस तरीके का मिलेगा, एनएस में आपको कुछ इस तरीके का स्पोर्टी वाला देखने को मिलेगा। पल्सर की अगर बात करी जाए तो अगर आप पीलियन में लेडीज़ को बैठाते हो तो आपको पल्सर में ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एनएस में सीट करते हो किसी लेडीज़ को तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलने वाली है। इंजन काउल आप देख सकते हो दोनों के कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। एनएस में 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी, पल्सर में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो एनएस तो इससे ऊंची है ही। उसी के साथ में अगर आप सीट हाइट चेक करोगे तो आपको एनएस में देखने को मिलती है 805 mm की, और इसमें यानी कि पल्सर में आपको सीट हाइट देखने को मिलती है 790 mm की। तो पल्सर जो है इसके मुकाबले थोड़ी छोटी है, सीट हाइट ग्राउंड क्लियरेंस आपको एनएस की ज़्यादा देखने को मिलेगी। नो वेस क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आ जाती है। सीट की बात करी जाए तो दोनों में ही आपको स्प्लिट सीट मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप पल्सर को परचेस करना चाहते हो सिंगल सीट में तो भी आपको ऑफर हो जाती है। बाकी यहाँ पर आप सीट की कुशन की बात करी जाए तो ड्राइवर का पुश कुशन काफ़ी सही मिल जाएगा, लेकिन अगर पीलन की तरफ आओगे थोड़ी सी आपको हार्डनेस महसूस जरूर होगी। बाकी यहाँ पर आपको एनएस 125 का स्टीकर मिल जाता है, और यहाँ से अगर आप टेल लाइट चेक करते हो तो स्पोर्टी सीट पूरी निकल के आती है। बाकी अगर रियर की बात करी जाए पल्सर की, यहाँ पर अगर आप आओ तो यहाँ पर आपको स्पीड में देखने को मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स, जिनकी आप लुक देख सकते हो। बाकी 125 का स्टीकर यहाँ पर मिलेगा, इसकी भी सीट आपको स्पीड मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो पल्सर के मुकाबले में तो इसकी सीट जो पीलन वाली दे रखी थोड़ी सी हार्ड कुशन के साथ में आती है, लेकिन इसकी सीट आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाती है पल्सर 125 की, और इसके मुकाबले में सही से इसमें पीलन और ड्राइवर दोनों आराम से राइडिंग कर पाएंगे। बाकी टेल लाइट आप देखो तो कुछ इस तरह की देखने को मिलती है पल्सर में। बाकी यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है, और मड गार्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एनएस की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर टेल लाइट कुछ इस तरह की मिलती है स्पोर्टी लुक की। बाकी यहाँ पर स्टीकर मिल जाएगा, यहाँ पर आप इसका मड गार्ड देखो तो कुछ नोवेस को मिलता है। बाइक की रियर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको इसमें 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेगी, रियर में मोनोशॉक के सस्पेंशन मिलेंगे। उसी के साथ में दोस्तों अगर बात करी जाए रियर के टायर सेक्शन की तो 100/90 सेक्शन का टायर मिलता है विद 17 inches के लेवल के साथ में। यहाँ पर कंपनी अंडर वैली एग्जॉस्ट ऑफर करती है एनएस में, और यहाँ पर आप देखो फुटपैक्स की क्वालिटी किक भी देखने को मिलती है, जो कि एनएस हो या कोई भी किक इसमें आती है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कभी अगर मान लीजिए बैटरी आपकी ना काम करे तो किक से कम बाइक स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ में रियर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको 130 मिलीमीटर की ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, और रियर में यहाँ पर आपको गैस चार्ज वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोलिक टाइप के। बाकी यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलेगा। रियर की बात करिए अगर टायर सेक्शन की तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाता है 100/90 सेक्शन का टायर विद 17 inches के अलॉय व्हील के साथ में। टायर सेक्शन दोनों बाइकों में आपको सेम मिलता है, किक भी आप देख सकते हो दोनों बाइकों में। फुटपैक्स की क्वालिटी जो है अगर देखा जाए तो एनएस के मुकाबले में यहाँ पर आपको पल्सर के फुटपैक्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से रबराइज दिए आपको देखने को मिलते हैं। आप बात करते हैं मीटर कंसोल की, सबसे पहले अगर आप एनएस का मीटर चेक करो, जो कि अभी फिलहाल में ही कंपनी ने काफ़ी बड़ा अपडेट इसमें एक तरीके से किया था कि मीटर कंसोल इसका पूरा नया कर दिया था, जिससे इसकी सेल और डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाकी यहाँ पर आपको स्कूटी वाली बार हैंडल मिलेगी। स्विचेस की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको पासिंग हाई बीम लो बीम का स्विच मिलेगा, यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को एडजस्ट कर पाओगे। और इस तरफ अगर आप देखते हो टर्न इंडिकेटर हॉर्न मिल जाएगा, बार एंड से इस तरफ आपको इंजन किल शेल्फ देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ की अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अभी भी नॉर्मल सी की मिलती हैं, जैसा कि अगर देखा जाए तो रेडर वगैरह में आपको स्पीड वहाँ आपको वेव की देखने को मिलती हैं, लेकिन मीटर कंसोल ऑन करा जाए तो पूरा डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर देख सकते हो आप, लाइट वगैरह ब्लिंक होती हैं जो कि देखने में काफ़ी सही लगती हैं। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिलता है, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, एक डिजिटल क्लॉक है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन वाला इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, और यहाँ पर आपको लो फील वार्निंग लाइट वगैरह मिलती है। जैसा कि अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहो तो मैं आपको दिखाऊँ, अगर इंजन ऑफ वगैरह सब आपको लिख के यहाँ पर आएगा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको चेक इंजन की लाइट, और यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं दिखाऊं तो ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, यहाँ सब इसका एडजस्ट वगैरह हो जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है, कॉल, SMS अलर्ट जैसे फीचर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, ये देखो। तो काफ़ी सही फीचर्स में आपको देखने को मिलते हैं। पल्सर की तरफ अगर चला जाए तो यहाँ पर आपको अभी भी वही सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो कि चला आ रहा था वही मिलता है, लेकिन स्पोर्टी वाली बार हैंडल मिलेगी, पासिंग का स्विच यहाँ पर मिलेगा, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर हॉर्न मिलेगा,
इस तरफ आपको इंडियन की शेल देखने को मिल जाता है, साइड में का पैटर्न यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर देखा जाए स्विचेस की क्वालिटी तो पल्सर 125 की क्वालिटी स्विचेस की इनके मुकाबले में यानी कि एनएस के मुकाबले में काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगी क्वालिटी आपको इसमें। बाकी की आप देखो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सी की मिलेंगी। मैं अगर आपको दिखाऊँ ये देखो आप की दोनों में ही नॉर्मल है, वेव की किसी में नहीं मिल रही है। बाकी अगर आप मीटर ऑन करोगे तो वही अपना सेमी डिस्टर्ब मीटर कंसोल मिल जाता है, आरपीएम मीटर यहाँ पर मिलेगा आपको। इस तरफ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिल जाएगा, डीटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आईएफई देखने को मिलेगी, चेक इंजन, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे सारे फीचर यहाँ पर कंपनी इसमें ऑफर वगैरह कर देती है। तो आपको मतलब मीटर कंसोल अगर आपको काफ़ी सही चाहिए इसी मतलब कैटेगरी में पल्सर की रेंज में तो आप एनएस की तरफ नोवेस जा सकते हो। एलईडी हेडलाइट भी आपको यहाँ पर देखने को ओवरऑल मिल जाती है। आप चलिए इंजन के बारे में जानते हैं फिर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो पल्सर 125 के इंजन के बारे में बात करिए तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 124.4 सीसी का एक एयर कूल फोर स्टॉक टू वेल ट्विन स्पार्क इंजन जो कि 11.8 पीएस की मैक्सिमम पावर रिलीज करता है 8500 आरपीएम पर। बाकी 10.8 न्यूटनमीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है 6500 आरपीएम पर। बाइक का पावर फिगर आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करिए एनएस की तो एनएस में आपको देखने को मिल जाता है 124.45 सीसी का एक एयर कूल फोर स्टॉक फोर वेल एसओसी इंजन जो कि आपको रिलीज करके देखा 11.99 पीएस की मैक्सिमम पावर 8500 आरपीएम पर। बाकी 11 न्यूटनमीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 7000 आरपीएम पर। बाइक का पावर फिगर आपको एनएस में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ में अगर आप चेक करो तो लुक काफ़ी अच्छी निकल के आती है। पावर फिगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है एनएस के मुकाबले में। और उसी के साथ में अब अगर बात करिए दोनों बाइकों के माइलेज के बारे में कि क्या आपको माइलेज दोनों बाइकों से क्या आप एक्सेल्सर से आपको आराम से माइलेज मिल जाएगी 45-50 के एमपीएल तक की। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप बात करिए एनएस की इसमें आपको 45 तक की माइलेज आराम से मिल जाएगी। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बात करिए बाइक की मतलब कि दोनों में से आपको किसको परचेज़ करना चाहिए तो अगर मैं आपको बताऊं अगर आपको एक फैमिली पर्पज से बाइक ढूंढ रहे हो पल्सर की सीरीज़ में और आपको 125 सीसी में पल्सर ही लेनी तो आप पल्सर 125 की तरफ नोवेस जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन मिल जाती है और थोड़ा सा मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल से फीचर तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाएंगे और प्राइस भी कम होने वाली है मैं आपको बताऊंगा। एनएस की बात करिए तो ये अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए और अगर आप मतलब बॉयज राइड करते हो या फिर अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए एलईडी हेडलाइट चाहिए नया डिजिटल मीटर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। प्राइस के बारे में बात करिए तो पल्सर 125 टॉप मॉडल की प्राइस होने वाली है 1,14,000 रुपीज़ की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। एनएस की बात करिए तो इसकी प्राइस होने वाली है 1,28,000 रुपीज़ की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये प्राइस आरटीओ इंश्योरेंस के साथ में है तो दोनों में देखा जाए तो लगभग आपको 14,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर आपको फैमिली पर्पज़ से बाइक चाहिए तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हो और अगर आपको स्पोर्ट कैटेगरी में बाइक चाहिए तो आप एनएस की तरफ जा सकते हो। शोरूम एड्रेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप यहाँ से आके बजाज की लाइन में किसी भी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों कुछ यही थी इसको ओवरऑल वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कानपुर से लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।